नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। आज जो विषय हम पढ़ रहे हैं उस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल नौ पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है राष्ट्रीय आय लेखा। ठीक है, तो इस मॉड्यूल 9 जिसमें कि राष्ट्रीय आय लेखा के बारे में बात करेंगे, जिसको कि आप इंग्लिश में नेशनल इनकम अकाउंट्स बोलेंगे, उसके अंतर्गत हम अध्याय 24 आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र। ठीक है, तो इस अध्याय के अंतर्गत बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है ना, और उससे संबंधित समग्रों के बारे में। तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है ये चीज़, कि जो कोई भी अगर अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था का जो मेन काम होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो है जनता की आवश्यकताओं की तुष्टि करने के लिए, संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना या कहीं से करवाना और उन्हें किसी तरीके से लोगों को उपलब्ध करवाना। ठीक है ना, तो ये जो ये उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी अर्थव्यवस्था जो होती है वो उत्पादन प्रणाली के माध्यम से ही इस चीज़ को संभव कर पाती है। एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है प्रोडक्शन का, जिसके की माध्यम से चीज़ें उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, तो आपने राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, उसके बारे में सीखा होगा पहले भी। तो राष्ट्रीय आय दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है शब्द राष्ट्रीय और दूसरा आय। तो इन प्रत्येक शब्दों का अर्थशास्त्र में विशिष्ट अर्थ है। ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में हम राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय की कुछ मूल अवधारणाओं, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में उनका अर्थ पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, जिन अवधारणाओं के बिना, अगर आपने उनको जाना नहीं, उन अवधारणाओं को, उन कंसेप्ट्स को अगर नहीं जाना, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं राष्ट्रीय आय का मापन करना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, वो चीज़ें आप हमारे साथ इनके माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है आय के अर्थ की। राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम जान लें कि आय क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था में हमें विभिन्न प्रकार की आय प्राप्त होती है। रोजगारदाताओं, जो लोग रोजगार देते हैं उनसे हमें मजदूरी और वेतन मिलता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा, जहाँ या आपके कोई जानने वाले होंगे या आपने भी कभी किसी को देखा होगा, वो लोग काम करने जाते हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिलते हैं, उनको मजदूरी या वेतन मिलता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसा उधार पर देते हैं, तो वो उधार पर जो पैसा देते हैं उसके बदले में उनको क्या मिलता है, उसके बदले में उनको ब्याज मिलता है, ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है ना, और कई बार बदले में बिना कुछ दिए भी, जैसे यहाँ रोजगार में तो क्या था, रोजगार आपने दिया, अपना श्रम दिया, तो आपको उसके अगेंस्ट कुछ पैसा, मजदूरी या वेतन मिल गया। आपने पैसे उधार दिए, अपना कुछ साधन दिया, उसके बदले में आपको ब्याज मिल गया। लेकिन कई बार ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि आपको बिना कुछ दिए ही कुछ ना कुछ बदले में मिल जाता है, जैसे उपहार मिल जाते हैं आपको, कुछ लोग दान कर देते हैं, वो दान मिल जाता है। वो दान के लिए कभी भी किसी आदमी कुछ करना नहीं पड़ता है, वो बिना कुछ करे ही उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम जो प्राप्तियाँ हैं, जो हमको मिलती हैं, उन चीज़ों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, प्राप्तियों को, पहली प्राप्ति होती है साधन आय और दूसरी होती है गैर साधन आय। ठीक है, तो ये साधन आय क्या है और गैर साधन आय क्या है। ठीक है, तो साधन आय क्या होती है, जो उत्पादन के साधन है। ठीक है ना, उत्पादन जिनके माध्यम से किया जाता है उनको उत्पादन के साधन बोलते हैं या उत्पादन के कारक बोलते हैं। तो उसके द्वारा, उत्पादन के साधन द्वारा, साधन के जो स्वामी है उसको अपने साधन की सेवाएँ उत्पादक इकाइयों में सुलभ कराने के बदले में मिली राशि को साधन आय कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल, आप एक मजदूर का एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो मजदूर के पास क्या उपलब्ध होता है, कोई भी अगर एक मजदूर है, ठीक है ना, तो मजदूर के पास क्या है, मजदूर के पास श्रम है।
ठीक है ना। उस श्रम किसको देता है, वो एक फैक्ट्री मालिक या फर्म के मालिक को देता है। तो उस श्रम श्रम की सहायता से जो फैक्ट्री का मालिक है वो वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक है ना। तो जो फैक्ट्री है वो क्या हुई, उत्पादक इकाई है। तो उत्पादक इकाई में जो साधन स्वामी है यानी कि मजदूर, उसने अपना साधन यानी कि श्रम वो दिया, उसकी सेवाएं दी। तो उसको जब उसने दिया फैक्ट्री को या उत्पादक इकाई को, तो उसके बदले में मिली जो राशि उसको मिलती है उसको साधन आय कहा जाता है। यहाँ तो हमने श्रम का उदाहरण लिया है, यहीं पर आप पैसे का उदाहरण भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बात हुई। तो हम जानते हैं कि जो उत्पादन होता है वो अपने चारों कारकों का संयुक्त परिणाम होता है। तो चार कारकों के कारण ही जो उत्पादन है वो संभव होता है। ये चार कारक कौन कौन से हैं उत्पादन के, ये चार कारक हैं। पहला कारक है श्रम। श्रम में क्या होता है, श्रम में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो भी शारीरिक श्रम हो, ठीक है, चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, अपने शरीर के जो बल है उसके माध्यम से काम कर रहा हो, या फिर मानसिक, ठीक है, जैसे कि हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोगों का काम कोई शारीरिक नहीं होता, हम लोग ऑफिस में बैठ के अपना काम करते हैं दिमाग के माध्यम से, मन के माध्यम से, ठीक है ना। तो वो जो मानसिक श्रम है, तो जो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, तो ये शारीरिक और मानसिक प्रयास अविभाज्य होते हैं। एक श्रमिक को कई बार दोनों की आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है ना। कुछ व्यवसायों में शारीरिक श्रम की मानसिक श्रम की तुलना में अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे मजदूरी जो करते हैं वहाँ शारीरिक श्रम की आवश्यकता अधिक होती है, और कुछ व्यवसायों में मानसिक श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है और शारीरिक श्रम की कम होती है। तो यह तो हो गया श्रम, पहला साधन। दूसरा साधन है भूमि। तो अर्थशास्त्र में भूमि का अभिप्राय होता है वो सभी चीज़ें जो कि हमको प्रकृति द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा, धरातल जो आप जिस धरती पर रहते हैं उसके उसको उसके ऊपर या उसके नीचे, ठीक है ना, उसके ऊपर या उसके नीचे कहीं पर भी उपलब्ध हो, वो सब जो साधन है वो भूमि कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके अंतर्गत आपका जो खनिज जो आप जमीन के नीचे से निकालते हो वो भी शामिल है, ठीक है ना। जो पानी ऊपर ऊपर बह रहा है जमीन के वो भी शामिल है। पेट्रोलियम जो जमीन के नीचे निकलता है वो भी शामिल है। ऊपर जो सूर्य की रोशनी आपको मिलती है वो भी शामिल है। हवा भी शामिल है। ये सारी चीजें भूमि में उपलब्ध, भूमि साधन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे भूमि दुर्लभ हो जाती है, उसका मिलना मुश्किल होता जाता है, वैसे वैसे उसकी खरीद और बिक्री प्रारंभ हो गई, और जो भूमि के स्वामी होते हैं वो उसकी कीमत वसूलने लगते हैं। भू स्वामी को इस प्रकार के भुगतान के बदले जो पैसा मिलता है उसको लगान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, स्वामी को मिलता है। अगली चीज आती है पूंजी। तो पूंजी में मशीनें भी शामिल हो सकती हैं, वाहन भी शामिल हो सकते हैं, जो मटेरियल होता है प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, वो भी शामिल हो सकता है, ठीक है ना। तो पूंजी के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी मानव निर्मित साधनों का को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अगला है, लास्ट जो है साधन, एक कारक है, वो है उद्यमी। तो उद्यमी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिनके द्वारा एक व्यवसाय को आरंभ और संगठित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो जब तक कोई ऐसे प्रयास नहीं करता है तब तक कोई भी व्यवसाय प्रारंभ नहीं हो सकता है। जो ऐसे प्रयास करता है उसे उद्यमी के रूप में जाना जाता है, और उद्यमी को मिलने वाली आय को लाभ कहा जाता है। इस प्रकार कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो, ठीक है ना, ब्याज और लाभ उनको साधन स्वामियों के साधन आय कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से साधन के चार कारक हैं जो कि हमने एक करके देख लिए। दूसरे प्रकार की आय जो होती है वो होती है गैर साधन आय। तो ऐसी मौद्रिक प्राप्तियां, ऐसे जो पैसे मिलते हैं जिसमें कि जो प्राप्त करता है, जिसको कि पैसे मिल रहे हैं या कोई भी चीज मिल रही है, कोई भी मौद्रिक प्राप्ति हो रही है, तो उसको कोई भी त्याग या प्रतिदान नहीं करना पड़ रहा है, उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं गैर साधन आय, ठीक है। इसके मुख्य उदाहरण हैं उपहार, गिफ्ट जो मिलते हैं हमको, दान, धर्मार्थ जो धर्म के हित के लिए लोग पैसा दे देते हैं, वो कर यानी कि जो टैक्स जो सरकार टैक्स लगाती है वो, और दंड, ठीक है ना, जो पेनल्टी आप भरते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों की चालान कटते हैं, उनको जुर्माना भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे दंड मांगते हैं। तो ये उदाहरण है उस चीज़ की जिसमें कि आपने कोई भी साधन नहीं लगाया लेकिन आपको प्राप्ति हो गई, ठीक है ना, कोई भी मौद्रिक प्राप्ति हो गई। इनको पाने में किसी भी प्रकार की उत्पादक गतिविधि
नहीं होती। तो इस प्रकार से जो गैर साधन आय होती है उसके लिए आपको किसी प्रकार की भी उत्पादन गतिविधि नहीं की जाती है आपके द्वारा, और इसको आप हस्तांतरण आय कहते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिना किसी सेवा या वस्तु दिए ही प्राप्त होने वाली एक तरफा मौद्रिक भुगतान है। कैसा भुगतान है? एक तरफा मौद्रिक भुगतान है, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना पड़ा, दूसरी पार्टी ने ही आपको अपने आप पैसे दे दिए। ठीक है, अगली चीज आती है कि राष्ट्रीय आय में इस प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित नहीं होती हैं। सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे आगे चल के, तो उसमें आप किसी भी प्रकार की गैर साधन आय को सम्मिलित नहीं करेंगे। आप केवल और केवल जो साधन आय हैं उनकी ही गणना, उनको ही लेंगे जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में गैर साधन जो आय है वो उसकी प्राप्तियां सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली बात आती है आधारभूत आर्थिक गतिविधियों की। तो आधारभूत आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं? ऐसी तीन मूलभूत आर्थिक गतिविधियां हैं। सबसे पहली है उत्पादन, दूसरी है उपभोग और तीसरी है निवेश। ये तीन मूलभूत आर्थिक गतिविधियां हैं, ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था में होती हैं, इनकी विशेषता है। ठीक है, तो उत्पादन में क्या होता है? किसी वर्तमान चीज के मूल्यमान में वृद्धि ही उत्पादन है। कोई एक चीज पड़ी हुई है, उसका जो मूल्य वर्तमान में है उसके मूल्य में अगर आप वृद्धि कर देते हो तो आपने एक प्रकार से उत्पादन किया है। ठीक है ना, आपने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन उसके अंदर कर दिया, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, तो आपने उत्पादन किया है। उत्पादन प्रक्रिया में वर्तमान चीज़ों को अधिक मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए उत्पादन के जो कारक हमने भी पढ़े, जो चार कारक उत्पादन के पढ़े, उनका संयुक्त प्रयास उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो मूल्य की ये वृद्धि होती है वही उत्पादन कहलाती है। तो जैसे एक लकड़ी का गट्ठर है, ठीक है, लकड़ी का एक गट्ठा है, लकड़ी का इस लकड़ी के इस गट्ठे से या इस लॉग से, इसको इंग्लिश में लॉग बोलते हैं लट्ठे को, तो उससे वो आपने 1000 रुपये का एक लट्ठा लकड़ी का खरीदा मान लीजिए। ठीक है ना, 1000 रुपये का आपने एक लट्ठा खरीदा और आपने इसको इसकी सहायता से एक कुर्सी बना दी और वो कुर्सी आपने बेच दी कितने की? 3000 रुपये की। ठीक है ना, तो आपने कितने रुपए की इसके अंदर वैल्यू ऐड करी? 2000 रुपये की वैल्यू इसके अंदर आपने ऐड करी, आपने 2000 रुपये की मूल्य वृद्धि इसमें कर दी। तो यही क्या है? उत्पादन प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ उत्पादन प्रक्रिया में जो मूल्य वृद्धि थी वो 2000 रुपये की थी। ठीक है, अगली बात आती है उपभोग की। जो अगली मूल आधारभूत आर्थिक गतिविधि है वो है उपभोग। तो व्यक्तिगत हो या फिर लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए हो, तो उनकी जो ऐसी जो उत्पादित वस्तुएं हैं जिनसे की माध्यम से लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष तुष्टि होती है, उसको ही उपभोग कहलाते हैं। ठीक, कहते हैं। तो व्यक्तिगत और लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष तुष्टि के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग, जब आप वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर रहे हो अपनी आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए, तो आप उपभोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उपभोग कर रहे हो। तो इसमें परिवारों द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुएं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे वो कपड़े हों पहनने के, चाहे वो जूते हों, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। और सरकार द्वारा सामूहिक उपभोग को पूरा करने के लिए जैसे सड़कों, पुलों, स्कूल आदि के निर्माण पर खर्च को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं उपभोग में। अगली बात है निवेश। तो निवेश या उसको पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। ठीक है, निवेश या पूंजी का निर्माण। ठीक है, पूंजी निर्माण, चाहे पूंजी निर्माण कहें चाहे हम निवेश कहें। तो उत्पादन का वो अंश जो आपने उत्पादन किया, उसमें से वो अंश जो बचा रह गया, ठीक है, जो जिसका उपभोग नहीं हो पाया, वो आगे उत्पादन में सहायक हो सकता है, जैसे मशीनों, औजारों, सामग्री संग्रह, ठीक है ना, इनके रूप में भौतिक परिसंपत्तियां आदि, इसे क्या कहते हैं? इसको निवेश कहते हैं। तो उत्पादन का वो अंश जो उपभोग से बचा रह गया और आगे उत्पादन में सहायक हो रहा है, जैसे मशीनें हैं, औजार हैं, सामग्री संग्रह हैं, मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, तो ये सारी चीज़ें भौतिक परिसंपत्तियों के रूप में उपलब्ध हैं, तो उसको हम निवेश कहेंगे। इससे जो अर्थव्यवस्था है उसकी भावी उत्पादन क्षमता की वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो ये तीनों आर्थिक गतिविधियां हैं,
चाहे वो निवेश हो जो हमने पढ़ी, ठीक है, चाहे वो उपभोग हो, चाहे वो उत्पादन हो। तो ये जो तीनों आर्थिक गतिविधियां हैं वो परस्पर संबंधित और निर्भर हैं, वो एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। उत्पादन में जो वृद्धि अगर हम करते हैं तो वो उपभोग में भी वृद्धि करती है चीज, और निवेश में वृद्धि होती है। तो उत्पादन में वृद्धि से उपभोग और निवेश दोनों में वृद्धि होती है। उपभोग में अगर वृद्धि होती है तो उत्पादकों को भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए प्रेरणा मिलती है। अगर आप देखते हो किस चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा है, कोई चीज़ ज़्यादा उपभोग की जा रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा निर्माता आ जाते हैं मार्केट में, बाजार में आते हैं और अपना माल बेचते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अधिक उत्पादन के लिए प्रेरणा मिलती है। तो निवेश में जो वृद्धि है, अगर निवेश में वृद्धि करते हैं, पैसा लगाते हैं, कोई भी देश किसी देश में पैसा लगाता है, तो उससे क्या होता है, उससे भविष्य में एक देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, जो पुनः उत्पादन और निवेश तीनों दोनों में वृद्धि करती है। तो अगर कोई भी चीज़ बढ़ती है, चाहे उत्पादन बढ़े, चाहे उपभोग बढ़े, चाहे निवेश बढ़े, तो ऑब्वियस सी बात है जो बाकी की दो चीज़ें हैं वो भी अपने आप बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो अगर उत्पादन ही ना हो, तो बिना उत्पादन हुए तो उपभोग और निवेश भी नहीं हो पाएंगे। यही तीनों गतिविधियां अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाहों का सृजन करती हैं। तो जो आय का प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है इनकम का, वो सारा का सारा इन्हीं तीन गतिविधियों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, जो कि है बंद अर्थव्यवस्था बनाम खुली अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि बाहर, जो कि आइसोलेटेड है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक ऐसा काल्पनिक देश है, एक्स कोई देश है, जो कि किसी भी अन्य देश के साथ व्यापार नहीं करता है। वो ना किसी देश को आयात करता है, ना किसी देश से आयात करता है सामानों का, ना किसी देश को निर्यात करता है, ठीक है ना। आपको पता है दो टर्म होती हैं विदेशी व्यापार में, एक होती है एक्सपोर्ट और एक होती है इम्पोर्ट, ठीक है ना। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप विदेशों से अपने घर में, अपने देश में सामान मंगा रहे हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि सामान आप विदेशों में अपना बनाकर भेज रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई अर्थव्यवस्था ऐसी है जो कि बाहर से बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर रही है, तो वो कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। बाकी सारी खुली अर्थव्यवस्था होती है। तो आधुनिक युग में तो प्राय सभी देशों के अन्य देशों से आर्थिक लेन देन के संबंध होते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है, बहुत 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 एकाधिक, एक एक जैसे ब्राज़ील है, ठीक है ना। ब्राज़ील एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि बहुत कम इंपोर्ट करती है, ठीक है, जो कि बाहर विदेशों से बहुत कम माल मंगाती है, ठीक है ना। तो वो एक प्रकार से एक बंद अर्थव्यवस्था एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सकती है। एक आदर्श रूप से बंद अर्थव्यवस्था कोई भी इस समय नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कोई भी देश नहीं है जो कि किसी अन्य देश से के साथ आर्थिक लेनदेन के संबंध जिसके ना हो। तो प्राय सभी देश दूसरे देशों से कुछ ना कुछ वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करते हैं, और विभिन्न देशों के बीच उधार का लेनदेन भी चलता है। पर्यटक के रूप में एक देश के नागरिक दूसरे देश में जाते भी हैं, वो भी एक व्यापार का ही माध्यम होता है, ठीक है। यदि दो देशों के बीच आर्थिक संबंध हैं तो उनके बीच वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह भी अवश्य होता है। अगर दो देशों के बीच आप कह रहे हो आर्थिक संबंध हैं, तो उसका मतलब उनके बीच में वास्तविक प्रवाह भी हो रहा है, वस्तुओं का प्रवाह भी हो रहा है, और साथ में मुद्रा का प्रवाह भी हो रहा है, मौद्रिक प्रवाह भी हो रहा है, मुद्रा का लेन देन हो रहा है। प्रवाह का मतलब है फ्लो, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, ठीक है ना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई ना कोई चीज़ जा रही है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो मुद्रा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि दो देशों के बीच आर्थिक संबंध होते हैं, तो उनके बीच में मुद्रा का भी प्रवाह होता है और वस्तुओं का प्रवाह भी होता है। तो जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, वो एक ऐसा पद है जिसे एक देश के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसके शेष विश्व से आर्थिक संबंध हों। अगर आपके आर्थिक संबंध हैं आपके देश के, तो आप एक खुली अर्थव्यवस्था के देश हो। जैसे भारत एक खुली अर्थव्यवस्था का देश है, ठीक है। इस दृष्टि से आज विश्व के अधिकांश देश खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। जिन देशों के शेष विश्व से कोई आर्थिक लेन देन नहीं होते हैं, ये बात गौर करने की है, उनके आर्थिक लेन देन नहीं होते हैं, उन्हें हम बंद अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। तो आंशिक रूप से बंद अर्थव्यवस्थाएं होनी तो संभव है जो कि केवल एक्सपोर्ट करती हों। जैसे मैंने ब्राज़ील का बताया, ब्राज़ील अधिकतर एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट बहुत कम करता है, बाहर के देशों से सामान बहुत कम मंगाता है, इसलिए वो एक प्रकार से आंशिक रूप से आप कह सकते हो कि वो एक बंद अर्थव्यवस्था हो, लेकिन पूर्ण रूप से कोई बंद अर्थव्यवस्था वर्तमान में है नहीं। तो आज के विश्व में ऐसे किसी देश का होना बहुत
कठिन है जो कि किसी भी देश के साथ व्यापार ना कर रहा हो। इतना आइसोलेटेड कोई भी कंट्री नहीं, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, स्टॉक और प्रवाह। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में स्टॉक और प्रवाह यानी कि भंडार और फ्लो, इसके बीच में जो भेद करना है वो बहुत आवश्यक है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक मात्रा है, स्टॉक भी एक मात्रा है, और बहुत अच्छी बात यह है कि प्रवाह भी एक मात्रा है। स्टॉक एक ऐसी मात्रा है जिसे एक विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है। ये बिल्कुल गौर करने वाली बात है, विशेष समय बिंदु पर, ये एक टाइम की एक टाइम पॉइंट पे मिलता है, ठीक है ना। किसी एक विशेष समय पर इसको मापा जाता है, जैसे 31 मार्च को सायं 4 बजे आदि। जैसे इसको जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी अवधारणाएं हैं, स्टॉक क्या क्या हो सकते हैं, जनसंख्या है। जनसंख्या हम किसी एक दिन में निकालते हैं, हम कहते हैं 31 मार्च 2021 को भारत की जनसंख्या इतनी थी, 31 मार्च 2021 को इतने बजकर इतने मिनट पर भारत की जनसंख्या इतनी थी। क्यों? क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है वो तो बढ़ती रहती है, हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है। तो अगर आप निकालना चाहते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, टाइम फ्रेम पर निकाल सकते हो कि कितनी जनसंख्या है, ठीक है। फिर मुद्रा की आपूर्ति, आप किसी एक समय पर निकाल लोगे कि भी कितनी मुद्रा भारत में उपलब्ध है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये स्टॉक के विचार से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। इनका कोई समय आयाम नहीं होता है, इनका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, इनका कोई समय आयाम नहीं होता है। कैसे होता है आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। मैं वहाँ पे आपको इसका एक बार रिविजन करवाऊंगा। दूसरी जो कंसेप्ट है वो है प्रवाह। प्रवाह भी एक मात्रा है, जैसे स्टॉक एक मात्रा है, प्रवाह भी एक मात्रा है, लेकिन ये वो मात्रा है जिसे एक निश्चित अवधि के अनुसार मापा जाता है। वो तो थी कि एक समय के एक बिंदु पर नाप रहे थे हम स्टॉक को, ये है एक निश्चित अवधि में। तो इसमें हम कहेंगे कि इस एक साल के अंदर, इस एक साल के अंदर आपने कितनी जनसंख्या आपकी बढ़ गई, वो एक क्या है, वो एक प्रवाह हो गई, फ्लो हो गई। तो ये अवधि दिन में हो सकती है, मास महीने में हो सकती है, और वर्ष में हो सकती है। इसका समय आयाम होता है, इसका एक टाइम फ्रेम होता है। राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय है वो एक कैसी है, वो एक प्रवाह है, एक फ्लो है, ठीक है ना। अभी आप देखोगे कैसे प्रवाह होता है राष्ट्रीय आय का। तो राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, जैसे आप कहना चाहो कि 2020-21 की राष्ट्रीय आय क्या थी, ठीक है ना। तो 2020-21 का मतलब होगा कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच की अवधि की, एक निश्चित अवधि, ठीक है ना, उसके बीच की जो भारत की, जो हमारे देश की इनकम होगी वो हमारी राष्ट्रीय आय होगी। और जनसंख्या वृद्धि, खाली जनसंख्या जो है वो एक स्टॉक वाला पॉइंट हो गया, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि जब आप कहना चाह रहे हो तो आप किसी एक निश्चित टाइम फ्रेम में कहोगे कि इस ईयर में इतने लोग ऐड हुए, इतने लोग बढ़ गए हमारी जनसंख्या में, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, एक प्रवाह की अवधारणा है। तो राष्ट्रीय आय भी और जनसंख्या वृद्धि दोनों एक प्रवाह की अवधारणाएं हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर इसलिए पढ़ी है क्योंकि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह की अवधारणा है, तो आपको पता रहना चाहिए कि स्टॉक में और प्रवाह में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो है वो इतना ही रहेगा। अगली वीडियो हम इससे आगे का भाग पढ़ेंगे, जो कि आपको राष्ट्रीय आय की, जो आय का जो चक्रीय प्रवाह है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग और चीज़ देखिए, इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। और एक रिक्वेस्ट जो आपसे रहती है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।